پاکستان تحریک انصاف روپوش رہنما مراد سید آڈیو بیان مخې ته راغلی. هغه د ټویټر پاڼې د لارې آڈیو بیان جاری کړ دی په کوم کې چې هغه ویلي دي چې کله د ترهګرۍ جنگ شروع شو نو په هغه وخت کې زما عمر 13 کال و. د دغې ترهګرۍ جنگ له وجې موږ بې کوره شوي یو. جنگ له وجې زما مور هم ژوبل شوې ده. هغې چې کوم ارمانونه وو زموږ په اړه هغه د هغې ارمانونه خاورو سره خاورې شوي دي. دهشتګردي کې جنگ شروع ہوئی تو میری عمر 18 سال تھی. हम बेघर हुए. मैंने अपने बुज़ुर्गों को गलते देखा. मेरी पुलों की अबियारी करने वाली माँ, शेरों में बातें करने वाली माँ एक ज़िंदा लाश बन गई. वो भाई जो नेशनल क्रिकेट टीम का हिस्सा बनने के ख्वाब देखता था उसका मुस्तकबिल तारीख हो गया. हमने अपने बाग़ैरत बड़ों को IDP कैंप्स में ख्वार होते देखा. पर्दादार बहनों को राशन की कतारों में देखा. परदेश में हमारे बाप सिसक सिसक कर रोते थे कि जिन घरों को उम्र लगा कर बनाया था वो मट्टी का ढेर हो गए. लेकिन हमारी ज़बान पर शिकवा नहीं आया. हमने एक लम्हे के लिए भी पाकिस्तान का बुरा नहीं सोचा. अपने टुकड़े समेटे और अपने शहरों की तामीर में लग गए. गोली सही लेकिन गाली नहीं दी, क्योंकि अपना समझा था, अपना समझते हैं. आज जो रोज़ाना गद्दारी के और दहशतगर्दी के फतवे लगाते हैं, तोहमत लगाते हैं, ये कौन है? हमारे मुकाबिल कौन था और ये कौन लोग हैं? मेरे पाकिस्तानियों, इनकी तारीख आप जानते हैं. डॉन लीक्स क्या था कि इन्होंने अपने आप को साफ करके अपने ही इदारे और अपनी ही फौज पर दहशतगर्दी का इल्ज़ाम लगाया. इन्होंने PDM का आगाज़ किया तो पहली ही प्रोग्राम में इनके प्लेटफॉर्म से पाकिस्तान और पाकिस्तान के इदारों के खिलाफ जहर उगला गया. बलूचिस्तान में कड़े होके पाक अफगान सरहद पे लगी बाढ़, अमन की बाढ़ को उखाड़ फेंकने की बात हुई. आज़ाद बलूचिस्तान का नारा लगा, सिंधु देश का नारा लगा, जाग पंजाब जाग का नारा लगा, पख्तूनिस्तान बनाने की बात हुई, पख्तूनिस्तान का नारा लगा. इन्होंने पाकिस्तान को तकसीम करने की साजिश की. लंदन में बैठ के लॉबियस से मुलाकातें की. और क्या उन मुलाकातों में एजेंडा पाकिस्तान की फ़ौज को कमज़ोर करना नहीं था?